नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा में लोजपा सेकुलर पार्टी ने बैठक किया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने किया। बैठक में आने वाले विधानसभा दरभंगा जिले के 10 संविधान सीट को लेकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई। दरभंगा में लोजपा सेकुलर पार्टी का बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने किया। वही अशोक विवाह भवन बेलादुला दरभंगा में हुआ। बैठक में आने वाले विधानसभा दरभंगा जिला के 10 संविधान सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई। वही अति पिछड़ा दलितों और महादलितों को एकजुट होने पर विशेष जोर डाला गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस शर्मा, कार्यकारिणी अध्यक्ष विष्णु पासवान, भिक्षक प्रकोष्ठ रमरवेश यादव सहित कई अन्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जैसे लोग उसको अपनी बकौती समझते रहे हैं, अभी भीम आर्मी के लोग भी उस पे आए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। फिर आप कह रहे हैं कि लोजपा का विभाजन करके हम लोग आए हैं, लेकिन दलितों को समझा पाना क्यों कठिन हो रहा है कि वो अपना सही नेता चुने? इन्हीं नेताओं में जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बेचते हैं सीटें, उन्हीं में उलझी रह गई। क्या वजह है कि दलित राजनीति ऐसी हो गई? देखिए, दलित राजनीति के सही मार्ग पर नहीं आने का मुख्य कारण रहा है कि दलित राजनीति में जो दलित समाज रहा है, वो समाज चेतन विहीन समाज था। उसको बहुत करके ऊपर लाने की चेष्टा की गई और उसके लिए लंबा लंबा आंदोलन भी हुआ। आपके जिला से भी कर्पूरी ठाकुर जी थे, समस्तीपुर से लंबा आंदोलन लड़े थे। दलित आंदोलन चलाने के लिए और दलित राजनीति करने के लिए दलित में पैदा लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसकी लड़ाई लड़ना। बीपी सिंह तो उसकी बड़ी लड़ाई लड़े, दलित नहीं थे, महात्मा बुद्ध बड़ी लड़ाई लड़े, वो क्षत्रिय समाज से थे, दलित नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दलितों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था कि जो दबा कुचला समाज है ऊपर आए, ये समाज भी धीरे 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 सजग हो रहा है और ऊपर आएगा। ये आपने ठीक कहा कि उनका सेक्टेरियल लीडर होता रहा, लेकिन अब सेक्टेरियल लीडरों से मुक्ति पा रहा है लोग और तेजी से मुक्ति पा करके गुड़बंदी भी हो। कांग्रेस और भाजपा सर जी नहीं जीतेंगे। पिछली बार 43 सीट लड़े, 2 सीट जीते, वो भी 2 सीट राजू तिवारी जीते, राजन तिवारी का भाई, वो अपने ताकत पर जीते, और 1 सीट वैशाली जीते थे, लालगंज वो भी राजकुमार साहब, वो भी आरजेडी से आया था बेचारा, पैसा दे के टिकट लिया था, तो मात्र 2 सीट जीते। इस बार ऐसे लोगों का सफाया हो जाएगा। आप किनके साथ जाएंगे? हम लोग इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग थर्ड फ्रंट यशवंत सिन्हा जी एक लेकर के आए जी, यशवंत सिन्हा जी सब लोग हम लोग साथ आएंगे। आप लोग यशवंत सिन्हा जी के गठबंधन के साथ जी? नाम बता दीजिए जी। मेरा नाम सत्यानंद शर्मा हुआ और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा से। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।